हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेडी मोमेंट्स में। आई होप आप सभी अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम घर पे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से फेशियल करना सीखेंगे। फेशियल तो 25 प्लस लोगों को करना ही चाहिए, उससे हमारे स्किन पे ग्लो आती है, हमारी स्किन टाइट होती है। तो फिर अब हम पार्लर में जाते हैं, जो कि बहुत ही महंगे कॉस्मेटिक वाले फेशियल्स करते हैं, करवाते भी हैं हम। तो उससे अच्छा हम आज अपने घर पे ही स्किन टाइटनिंग और ग्लोइंग फेशियल करेंगे, जिससे हमारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो कि हमारे घर में रेगुलर यूज़ होते हैं। हम उन सारे इंग्रेडिएंट से आज फेशियल करना बताएंगे और आप उसको करके अच्छी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी घर पे फेशियल करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपने फेशियल किट बनाने की, नेचुरल, वो भी किचन के इंग्रेडिएंट्स थे। ये मैंने लिया है एक आलू, जो कि मैंने छील लिया है। अब हम निकालेंगे इसका रस। पहले इसको कद्दूकस करेंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। और इसका बनाएंगे हम, निकालेंगे रस, इतना बहुत है। तो इसका रस निकाल लेते हैं हम एक छोटे से बोल में। ये हो गया हमारा आलू का रस। आलू में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें होता है विटामिन सी और बी के, पोटेशियम, जिंक। ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन से टैन रिमूव करता है और उसको ब्राइटनिंग बनाता है। तो ये रहा आलू का रस। और अब हम करेंगे, तो पहले हम 6 स्टेप्स में करेंगे फेशियल। तो पहला है हमारा क्लिंजिंग, फिर उसके बाद एक्सफोलिएटिंग, उसके बाद स्टीमिंग करेंगे, फिर मसाज करेंगे, उसके बाद फेस पैक और मॉइस्चराइजिंग। तो पहला स्टेप है हमारा क्लिंजिंग का। क्लिंजिंग के लिए हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर थोड़ा सा, बस एक लोग के हिसाब से। जैसे आप इसको बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रोज़ वाटर, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बस इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा क्लिंजिंग रेडी। और दूसरा स्टेप है हमारा एक्सफोलिएटिंग का। जैसे हम स्क्रब से करते हैं, तो ये रहा हमारा, ये है चावल का आटा, जो कि बारीक है, एकदम बारीक नहीं, इसमें तो ये थोड़ा सा दरदरा होता है। तो ये चावल का आटा, इसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा आलू ले लेंगे, थोड़ा सा बस। इसमें डालेंगे ये आलू का रस, और इसमें थोड़ा सा दो बूंद पानी मिक्स करके इसको हम, ये हमारा स्क्रब रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टीमिंग का, वो तो हम उस टाइम पानी गर्म करके करेंगे। और ये फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है मसाज क्रीम बनाने का। मसाज क्रीम के लिए मैंने ले लिया है मलाई, और ये मलाई में हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, हनी हो गया, और ये जो बाकी बचा आलू का रस है वो डाल देंगे। इसे हम करेंगे अपनी स्किन की मसाज, इससे हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलेगा। ये बन गया हमारा मसाज क्रीम। इस मसाज किट से तो हमारे फेस पे एकदम अच्छी वाली ग्लो आएगी। अब हमारा है ये फेस पैक। फेस पैक के मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी। ये भी टैन रिमूव करने में हेल्प करता है। इसको हम बस रोज़ वाटर से पेस्ट बना लेंगे, सिंपल मुल्तानी मिट्टी, इसमें कुछ भी नहीं। ये हमारे आयुर्वेद में भी स्किन के, ग्लोइंग स्किन के लिए यूज़ किया जाता है।
ये बहुत ही सालों से पुराना चलता हुआ आ रहा है। ये थोड़ा सा आलू का रस है, ये भी हम इसमें रख देंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा ग्लोइंग फेशियल किट। तो अब हम मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी, इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी आपको। ये हमारा फेशियल किट रेडी है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है और पूरा ये कोई आप भी पुरानी घर की टी शर्ट पहन लें, इससे आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा। और अब मैंने मेकअप भी रिमूव कर लिया है, आप भी मेकअप रिमूव कर लें। अब हम पहला क्लिनजिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लगाएंगे फेस पे और 1 मिनट तक मसाज करेंगे। इससे हमारे सारे डर्ट निकल जाएंगे, हमारा स्किन ऑयल फ्री हो जाएगा। फिर आगे के स्टेप्स में कोई भी डर्ट हमारे स्किन के अंदर नहीं जाएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी मनी क्राइसिस भी हो रही है लोगों को, बिज़नेस वालों के लिए बिज़नेस बंद है और सर्विस वालों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, कितने लोग को तो सैलरी मिल भी नहीं पा रही है। तो हम भी थोड़ी सी बचत करें, हम घर पे ही क्यों ना अपना केयर कर लें अपनी स्किन की। घर पे ही केयर करते हुए हस्बैंड के पॉकेट पर भी कोई असर ना हो और हमारा स्किन भी अच्छा रहे, हेल्दी ग्लोइंग बना रहे। ये एक हेल्प होगी, सपोर्ट होगा हमारा। इसे 1 मिनट तक ऐसे मसाज करते रहें। मसाज की कोई ऐसे आपको सब इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं, तो आपको बस ये अपवर्ड सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे मूव करते हुए फेस के हर पार्ट में ऐसे करना है अपने सॉफ्ट हैंड से। एकदम हार्ड नहीं चलाना है आपको अपने हाथों को, सॉफ्ट हैंड से ऐसे मूव करते हुए 1 मिनट तक मसाज कर लें। फिर इसको कॉटन से क्लीन करें। जितने भी एक्स्ट्रा डर्ट हमारे स्किन के ऊपरी लेयर में होंगे वो सब इससे क्लीन हो जाएगा। ये देखिए निकला ना। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का, स्किन को एक्सफोलिएट करने का। ये रहा हमारा स्क्रब, जिसमें है चावल का आटा, आलू, आलू का रस, रोज वाटर से हमने इसको बनाया है। इससे हमें 2 से 3 मिनट तक इससे अपनी स्किन पे मसाज करना है। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए चावल में सन प्रोटेक्ट करने की एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करते हैं, और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स भी होते हैं जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। इससे हमें 3 मिनट तक ऐसे ही सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में। आप देख सकते हैं मेरा स्क्रब हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, स्टीमिंग। ये मैंने इसको गर्म पानी में गीला कर लिया है टॉवल को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि भाई ये तो गर्मी का मौसम है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, अपने बस जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म। इसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे जिससे हमारे स्किन के पोर्स खुल जाएँ, उसके बाद हम आगे के स्टेप करेंगे। ऐसे इसको रख के हम अपने स्किन को, अपने फेस को स्टीम देंगे। मेरा तो हो चुका है 2 मिनट। अब क्या है, अब जिसको वाइट हेड्स वगैरह हैं वो इससे रिमूव कर सकते हैं, पोर्स खुले तो उससे रिमूव कर सकते हैं। आपके पास ये इस तरीके की पिन होगी, हेयर पिन, उससे हम अपने वाइट हेड्स क्लीन करेंगे। मेरे तो नहीं है, जिसको है वो धीरे धीरे इसको ऐसे करके रिमूव कर, मेरे हैं नहीं तो ये निकलेंगे नहीं। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मसाज का। ये रहा हमारा मसाज क्रीम, तो हम इसको अप्लाई करेंगे फेस पे और इससे हमें
8 से 10 मिनट तक मसाज करना है। ये थोड़ा टाइम टेकन है बट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये स्किन को अच्छे से मॉइश करेगी, ग्लोइंग बनाएगी। अब इससे हमें 10 मिनट तक मसाज करना है फेस पे। मैंने 8 मिनट तक मसाज करके उसको साफ कर लिया, धो लिया ठंडे पानी से। आप भी ऐसा करें और उसके बाद उसको पोंछ लें। और जिनको जिनकी ऑयली स्किन है, जिनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है, वो उसमें मलाई स्कीप कर दें, क्योंकि मलाई बहुत ऑयली होता है। तो उनको नई मलाई की मलाई छोड़ के स्कीप करके उसमें बस हनी और आलू के रस का मसाज करें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पैक का। ये हमने पैक बनाया था मुल्तानी मिट्टी का, वो ये तो एकदम वरदान है हमारे स्किन के लिए। तो ये हमारी स्किन को डीप क्लीन करेगी, स्किन टैन को रिमूव करेगी। तो अब हमें लगा के इसको बोलना नहीं है, तो मैं फिर इसको लगा के बोलूँगी नहीं। फेस पैक लगा के हमें बोलना नहीं चाहिए, को ड्राई होने देंगे। ड्राई होने तक हमें इसे लगाए रखना है, फिर ठंडे पानी से वॉश करके। हमें बहुत मोटी लेयर भी नहीं लगानी है, बहुत थिन लेयर भी नहीं लगानी है कि जल्दी से सूख जाए या फिर जल्दी सूखे ही ना। तो एक मीडियम लेयर हम इसकी अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। मैंने इसको सुखा के उसको साफ कर लिया है, ठंडे पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो। अब हमारा लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग का, जिसे हम सिर्फ एलोवेरा जेल लगा के मॉइस्चराइज करेंगे अपने फेस को। इस फेशियल किट को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये फेशियल कैसा लगा और इसके रिज़ल्ट कैसे आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।